बहुत क्या बात है. ये गाने से बहुत कुछ याद आ गया. ये जीतू साहब की पहली फिल्म थी जिसमें वो हीरो थे. ओ फर्ज. और हम दोनों गए थे वहाँ पे ऊटी में ये गाना करने के लिए. अब दोनों नए थे तो मास्टर जी खूब डंडा फेंक फेंक के सीधा घुटनों पे मारते थे हीरालाल जी. बट मुझे ज़्यादा पड़ती थी, ये बात सच्ची है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी स्टाइल वाइल मार के कर लेते थे, लेकिन मैं तो टोटली ज़ीरो थी ना, तो मुझे बहुत डंडे पड़ते थे मास्टर जी के, हीरालाल जी के. बट आई थैंक हिम टुडे कि उन्होंने मार मार के भी कुछ तो सिखाया मुझे. आपने जो पहला गाना गाया बदन पे सितारे, वो गाना मुझे भी बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने उस पिक्चर में काम किया शमी जी और विजंदी माला जी के साथ. एक डांस था. इन्हें लगता है कि काश वो गाना इन पे पिक्चराइज हुआ होता. मैं भी यही सोच रही थी. अरे हेलेन जी, विश क्यों, इतने अच्छे हमारे छोटे शमी जी हैं, इतनी अच्छी हमारी ऑडियंस है, तो क्यों ना इसे. मैं बच्चे बन के आ जाऊंगी उधर. हाँ बिल्कुल, जवान बन के. हो जाए हेलेन जी. अरे आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, हो जाए हेलेन जी. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. हमें जब से देख कर हाय शर्माओगी, ना देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. थैंक यू सो मच हेलेन जी. ऐसा लग रहे थे मैं कम से कम 40 साल पीछे गई थी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.